बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज जो है मेरा व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि ये वाला जो मेरा पहले वाला व्लॉग है ये काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर अच्छे व्यूज़ आए। समझे कि सारी वीडियोज़ में सबसे अच्छे व्यूज़ मेरे इसी व्लॉग पे हैं, यानी कि अब इसका दूसरा पार्ट बनाया है। हम पीका बियर गए थे कुछ टाइम पहले, शायद दिसंबर या जनवरी में पीका बियर गए थे, लेकिन वो मैं गई थी जौहर वाली ब्रांच में और वो मेरी फ्रेंड है, उसने रिकमेंड की थी तो हम लोग वहाँ गए थे। इत्तेफाक से मैंने वहाँ व्लॉग बनाया और वो काफ़ी हिट हुआ। और इसके बाद जो है ना, आज फिर मैंने जो है ना सोचा क्यों ना इसका जो दूसरा पार्ट है, यहाँ जाना था मनों को मुझे वेकेशन पर लेके, तो हम लोग यहाँ आए। और ये जो है ना दी नॉर्थ वॉक जो है वो नया मॉल बना है सायमा पारी के बराबर में ही ना, उसके बिल्कुल ही साथ है। और इधर जो है ना हमने सोचा कि चलो पीका बियर जो टू है, यानी कि जो ये इस मॉल में बना हुआ है, इधर जो है इसको दिखाते हैं कि ये किस तरह का है। ख़ुद भी मैंने पहले दफ़ा ही देखा था यहाँ जो है ना, वो इसका बड़ी अच्छी सी लोकेशन है। मतलब जब मैं हम लोग गए तो हम समझे कि अलग से बना हुआ होगा, क्योंकि वो वाला जो है ना वो क्या कहते हैं कि स्पोर्ट क्लब में ही बना हुआ है जौहर वाला, और ये जो है ना ये बिल्कुल एक जो मॉल है उसके अंदर बना हुआ है, यानी कि मॉल में टॉप फ्लोर पर जो है इसका क्या कहते हैं पूरा एरिया है। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को दिखाया कि जैसे मॉल में एंटर होंगे तो डायरेक्शंस के जो है ना वो क्या कहते हैं बोर्ड लगे हुए हैं, यानी कि आपको टॉप फ्लोर में आपको उन्होंने हिंट दिया हुआ है यहाँ यहाँ जाएँ तो आपको जो है मिल जाएगा। यहाँ जो है ना हमने पहले टिकट ले लिया था। टिकट का सीन कुछ ये है कि फ्राइडे टू संडे जो है ना वो 700 का टिकट है, 90 मिनट्स की स्लॉट होगी और जो है ना 45 मिनट्स की सॉरी स्लॉट है, और उसके 700 टिकट है और शायद 800 और 900 की टिकट है जिसमें 90 मिनट की स्लॉट होगी। हमें थोड़े से लेट हो गए थे आते हुए, तो लास्ट स्लॉट मिली थी हमें, तो उसमें जितना मुझसे हो सका मैंने वीडियो बनाई। यहाँ पर एंटर होते ही जो है ना वो बहुत अच्छा, वो वाला जो है ना, इन दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगी। इधर एंटर होते ही जो है ना हमें क्या कहते हैं बहुत प्यारा सा बॉल हाउस मिला। बॉल हाउस के अंदर ही अंदर जो है ना वो आपको जंपिंग कैसल भी था, स्लाइड भी थे, मतलब इस तरह से बना हुआ था। इस साइड में पूरे जो है ना वो इस तरह के छोटे से व्हील्स वगैरह लगे हुए थे और क्या कहते हैं ब्लॉक्स वगैरह बने हुए थे, इसमें इस तरह के गेम्स थे और यहाँ बच्चों के इस तरह से गेम्स थे। माँ भी वो अंदर गई है यहाँ से, बुरी मना बना बाय। थोड़ा सा और हम जो शुरू में बॉल हाउस है, सबसे पहले जो है ना वो आपको बर्थडे सेलिब्रेशन का एक कॉर्नर बना हुआ है, उसके बाद बॉल हाउस आ जाएगा। बच्चों के स्लाइड्स हैं, उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जो है वो आपको और जो है ना वो जंपिंग कैसल पूरा एक बना हुआ है उसके अंदर, और जाके जो है आपका वो एज वाइज यानी कि एज से आगे जो है ना छोटे बच्चों की नहीं है, यानी कि जो 10+ है और 8+ इस तरह से बच्चों की जो है वो प्ले एरिया बने हुए हैं। बड़ा अच्छा सा था, बड़ा मज़ा आया यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ रश बहुत गज़ब का था, शायद इस वजह से भी क्योंकि जो है वेकेशन है इस वजह से भी रश था, और बिल्कुल वीकेंड था इस वजह से भी रश था। तो उसके बाद मन्हा को जो है ना, क्योंकि वहाँ पे उस वाले पीका बियर में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें जो है ना सिंपल सिंपल से 4-5 एरिया बने हुए हैं साथ ही साथ, और उधर उधर आपको खेलने की जगह बनी हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा वैरायटी है। मेरे बैक पे जो आज से मैं वीडियो बना रही हूँ उसके बिल्कुल बैक पे जो है वो सैंडपिट वगैरह भी बना हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो में। पीका बियर में जो है ना वो एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि यहाँ पे जो है ना आप लोगों को कैफ़े नज़र आ गया था। यहाँ पे साइड में ही पीछे ही, यानी कि एक तरफ पूरे जो है आपके लेफ्ट पे सब सारे राइट्स हैं, और राइट पे जो है ना आपको इस तरह से
कैफ़े है आपके, और बड़ा ही अच्छा सा था, अच्छा लगा हम लोगों को वहाँ पे। पॉपकॉर्न वगैरह बच्चों को इस तरह की चीज़ें मिल रही थी कि बच्चों को प्यास भी लगे थक थक खेलते वक्त, तो आराम से पानी वानी पी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कोई फूड वूड का सीन नहीं है, ना फूड अलाउड है वहाँ पे, मैं वहाँ पे जौहर वाले में, और लेकिन यहाँ पे इस तरह का सीन नहीं था। यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे सी बेंचेस भी लगी हुई थी कि साइड में जहाँ पे बच्चों को झूले थे, वहीं मदर्स बैठ के जो है अपना बच्चों को पानी वानी भी पिला सकती थी और गोलगप्पे वगैरह भी इंजॉय कर रही थी। पॉपकॉर्न्स नगेट्स ये सब कुछ वहाँ मिल रहे थे। अच्छा वहाँ पे तो मैंने ना वो ज़्यादा गेम्स थे, मतलब बॉल हाउस में जो है ना वो LCD के भी गेम थे, मैंने वो भी खेल लिए थे, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए सिर्फ यही वाला गेम था, ये बॉल वाला। तो मैंने कहा वहाँ उस ब्लॉग में भी मैंने ज़रूर खेला था, तो यहाँ पे भी मैंने ज़रूर प्ले करना है। तो बस ये बड़ा मज़ेदार सा था, एक इनका जो है ना वो पाइप सही नहीं था और एक बिल्कुल सही एयर आ रही थी तो वहाँ से जा रहा था। उसके बाद बच्चों ने यहाँ पर थोड़ा सा ये वाले गेम्स खेले, ये भी थे, अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक सुकून की उस पर देखें तो ज़्यादा अच्छा हम लोगों को जौहर वाला लगा, छोटा है और जो है पीसफुल सा है बहुत ना। बच्चे मतलब अगर एक महावीर हमारा इधर था तो मन हाँ वहाँ दूर थी, तो उस चक्कर में मास्क मेरे साथ गया था, तो हम लोग जो है ना उसको मास्क को मैंने लगाया हुआ था कि महावीर को देखते रहो, इधर से वो गायब हो रहा था। अच्छा, और मास्क इतना मदद से नहीं आ रहा था क्योंकि बड़ों के लिए ज़रा कम थे, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा इन्जॉयमेंट की जगह है। हम लोगों को पहुंचने में ही देर हो गई थी, इस वजह से जो है ना टाइम हमारा, समझे हमारी 45 मिनट की स्लॉट थी, तो 10 मिनट्स हम लोग लेट ही पहुंचे थे, तो वो 10 मिनट्स वहाँ हमारे जो है ना ज़ाया हो गया। अच्छा, जब हम लोग जाने लगे तो जैर से बताते फिर वो बेल्स वगैरह बज गई, तो मना बड़ा सैड थी, बड़ा रो भी रही थी, लेकिन फिर मैंने उसको प्रॉमिस किया था मैं इंशाल्लाह तो मैं ज़रूर दोबारा लेकर आऊँगी, और ये सिर्फ उसकी वजह से मैं आई थी यहाँ पे। एक मैंने सोचा कि चलो एक घूमने की, बहुत दिनों से मेरा वो था कि, लेकिन अब पूरा जुलाई भी समझे शुरू हो के भी 10 दिन इस तरह से गुजर गए हैं, छुट्टियाँ बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं, 10-20 दिन और रह गए, और उसमें बस वीकेंड्स हैं थोड़ी सी, इंशाल्लाह एक वीकेंड जो है वो और कहीं इसको लेके जाना है, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह मैंने और एक दो और अच्छे अच्छे ब्लॉग बना रहे हैं ऐसे जो आप लोगों को पसंद आए, तो ये ब्लॉग भी इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। बच्चों को घुमाने के लिए जो कराची, यानी कि जो नॉर्थ वगैरह के लोग हैं ना, उनके लिए तो बहुत, असल में ये शायद बीच, बिल्कुल बीच में है शहर में, तो इसलिए इसमें ज़्यादा रश था, और बड़े मज़ेदार सी जगह है, आप लोग ज़रूर आइएगा, इंजॉय करिएगा। टिकट वगैरह कोई इतना ज़्यादा, पहले वहाँ का भी 500 था लेकिन वहाँ का भी 700 हो गया है, यहाँ का भी 700 हो गया, सेम टिकट्स है, ठीक है। अगर मंडे टू फ्राइडे जो है वो 600 है, और वो स्लॉट के हिसाब से है, जितनी आप 90 मिनट से स्लॉट है तो उसके हिसाब से आपका ज़्यादा टिकट है, और बहुत इजी से इसका एड्रेस है। वैसे तो हम लोग लोकेशन ऑन करके आ गए थे, हमें इजीली मिल गया था, आप लोग भी जो है जो यहाँ जाना चाहते हैं वो आराम से बच्चों को लेके जाएँ, बहुत मज़ा आ रहा था, तो आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़। Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even